ठीक है। और मोस्टली अपनी जो बायो है वो भी हो चुकी है, कुछ चैप्टर जो बाकी रहते हैं वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियो के चल रहे हैं। आज हमें जो चैप्टर करना है वो करना है जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग हम पढ़ रहे थे बच्चों, HSSC TGT साइंस के लिए हम पढ़ रहे बच्चों, HSSC TGT साइंस स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। मोस्टली केमिस्ट्री अपनी हो चुकी है, और अगर आप बोलेंगे तो पूरी जो वीडियोस हैं उनको कंपाइल करके एक मैराथन के रूप में आपके सामने आ जाएंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। बायो भी मोस्टली हो चुकी है, कुछ चैप्टर जैसे ह्यूमन फिजियो के और कुछ जो बॉटनी के कुछ चैप्टर हैं वो कुछ बाकी हैं, वो भी अब धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर करना है वो करना है जो ब्रीदिंग है और गैसियस एक्सचेंज है, वो हमें चैप्टर करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हमें करनी है, और जो नोट्स होंगे इसके जो शॉर्ट नोट्स होंगे, क्योंकि सारा जो 11th का वो तो आपको नहीं करना होता है क्योंकि TGT के लिए है, तो इसके जो शॉर्ट नोट होंगे और जो रिविजन नोट्स हैं मतलब, वो आपको जो टेलीग्राम का चैनल वहां मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग आपको पता ही है सिंपल क्या है और क्या नहीं है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपको ऑर्गन्स जो हैं जो पूछे जाते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैमल्स में सबको पता है, आप सुनते जाएंगे सारे, मैमल्स में सबको पता है लंग्स है, बर्ड्स में सबको पता है लंग्स है, रेप्टाइल्स में सबको पता है लंग्स है, एम्फीबियंस में भी लंग होती है, फिशेज में बच्चों कौन होता है, गिल्स होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहां पे आपको कौन मिलेगा, गिल्स, वहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। मोलस्का में वहां पे भी फिदर लाइक गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, फिदर लाइक गिल्स होते हैं। हेमिकोर्डेटा, एकिनोडर्मेटा, यहाँ पे गिल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उसमें मोलस्का भी मोलस्का में फिदर लाइक गिल्स होते हैं, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, यहाँ भी गिल्स होते हैं। फिर आते हैं यूरोकोर्डेटा, वहां पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, क्या मिलेंगी, स्लिट्स के रूप में वहां पे आपको मिल जाएगा। सेफेलोकोर्डेटा में भी क्या होता है बच्चों, यहाँ भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको देखने को ठीक है मिल जाएंगी। फिशेस का आपको बता ही दिया है। पोरीफेरा में ध्यान से देखना, आपने ये क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर वहां आपने पढ़ लिया होगा, उसी के ऑर्डर में सब कुछ बताया जा रहा है, कोई नए नाम नहीं है। ठीक है, पोरीफेरा में आप सबको पता है, पोरीफेरा में डिफ्यूजन होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, पोरीफेरा में डिफ्यूजन होता है। स्टेनोफोरा में डिफ्यूज मतलब इन सारी चीजों के लिए जो ऑर्गन है वो क्या रहते हैं, अब्सेंट वहां पे रहते हैं। ठीक है, प्लैट हेलमिंथ में डिफ्यूजन होता है, एस्क हेलमिंथ में भी डिफ्यूजन होता है बच्चों, ठीक है, सिनेड्रियंस जो थे वहां भी डिफ्यूजन हुआ, कौन कौन से, पोरीफेरा, सिनेड्रियंस, प्लैट हेलमिंथ, एस्क हेलमिंथ, डिफ्यूजन ही यहाँ पे होता है। और जो एनिलीडा होता है, क्या होते हैं, एनिलीडा होते हैं यहाँ पे मोइस्ट क्यूटिकल होते हैं, क्या होते हैं, क्यूटिकल्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अर्थ्रोपोडा में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, अर्थ्रोपोडा में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जैसे कई जगह पे जो एक्वेटिक वाले हैं उनमें आपको गिल्स देखने को मिलेंगी, जैसे क्रैब वाले में है बच्चों, क्रैब में आपको बुक गिल्स देखने को मिलती है, क्रैब में बुक गिल्स देखने को मिलती है। इंसेक्ट में आपको ट्रैकिया मिलेगा बच्चों, जितने भी इंसेक्ट हैं वहां आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ये इंसेक्ट में आपको ट्रैकिया देखने को मिलता है। ठीक है, और जो स्कॉर्पियन है उसमें बुक लंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये मोस्टली जितनी भी अपनी क्लासेस थी सारी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती, कहाँ पे क्या होता है। फिर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही चीजें बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, कि जो अपना कॉमन पैसेज होता है फूड का और एयर का, हमारी बॉडी में कॉमन पैसेज फूड और एयर का कौन होता है बच्चों, फेरिंग्स होता है, कॉमन चैम्बर जो होता है किसका, फूड एयर का, फेरिंग्स होता है। कार्टिलेजनस बॉक्स जिसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, वो कौन होता है, लारिंक्स होता है। ठीक है, फिर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप जो होती है, अपनी जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है ग्लोटिस, क्या बोला जाता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। ठीक है, ग्लोटिस उसको बोला जाएगा, और फूड पाइप को जो ओपनिंग होती है फूड पाइप की उसको गुलेट बोला जाता है, तब फूड वाला पढ़ेंगे तब वहां पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं अब वो आप देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको पता है नोस्टिल आती है, नोस्टिल के बाद क्या आता है, फाइनेक्स आता है, फिर क्या आता है बच्चों, लारिनेक्स आता है, फिर क्या आती है, ट्रैकिया आता है, लारिनेक्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है, और ट्रैकिया के बाद ये सारा क्या आ जाता है बच्चों, लंग्स फॉर्म में आ जाता है, ये कॉमन पैसेज है। ठीक है,
बात समझ में आ गई। अब जो अपना मतलब जो ग्लोटिस जो होती है, अभी बात चल रही थी ऊपर जो अपना किस चीज का था, विंड पाइप के लिए था ओपनिंग, वो क्या थी अपने पास ग्लोटिस, उसके पास एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है उसके ऊपर, जिसको क्या बोला जाता है, एप्पी ग्लोटिस उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, एप्पी ग्लोटिस। और जो आपसे कई बारी फ्लोर चार्ट मतलब जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो अभी मैंने बताया क्या होता है, कहाँ तक बताया भाई, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद लंग्स में। अब लंग्स में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लंग्स में पहले क्या आती हैं, जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स जिसको बोला जाता है, कौन आती हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स होती है बच्चों, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ठीक है, फिर आ जाती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में सबसे क्या आती है, एल्वेलाई आती है। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये ऊपर वाला नोस्ट्रियल वाला, फैनिक्स, लार्निक्स, ट्रैकिया, और उसके बाद जो टर्शरी तक ब्रोंक्यूल हो गई, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हो गई, फिर इनिशियल और फिर टर्मिनल। आसान तो था, कौन सा, पहले नोस्ट्रियल, फैनिक्स, लार्निक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल, और फिर एल्वेलाई, जिसको एयर सैक भी बोला जाता है। एयर सैक, यहीं से ही तो स्टोरेज होती है और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और जो अपना कार्टिलेजनस रिंग होती है आपके पास, आपको पता है ना, जो ऐसे ट्रैकिया होता है उसमें ऐसे कार्टिलेजनस ऐसे रिंग प्रेजेंट होती हैं उसकी शेप बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो वो सपोर्ट कहाँ तक होता है, ठीक है, जो कहाँ तक मिलेगा, इनिशियल ब्रोंक्योल्स जो होती हैं वहां तक वो चीज देखने को मिलती है, ठीक है। और जो लंग्स होती हैं बच्चों, अपनी जो लंग्स होती हैं उनके चारों ओर एक लेयर होती है जिसको प्लूरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूरा, आपको पता होगा कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए सारी लेयर्स होती हैं, तो प्लूरा, और शोक एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे फ्लूड भी प्रेजेंट होता है। अगर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, अगर आप कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल को बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट, और रेस्पिरेटरी पार्ट किसको बोला जाता है, एल्वेलाई को बोला जाता है। इसको कौन सा डक्ट बोला जाता है, रेस्पिरेटरी डक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये कंडक्टिंग पार्ट है सारा, ये क्या है, ये कंडक्ट करने वाला पार्ट है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उसके बाद तो एल्विलाई आता है और उसकी सारी डक्ट आती है, तो वो रेस्पिरेटरी पार्ट बोला जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर जो आप दो आप कंडीशन बोलते हैं रेस्पिरेशन में, एक क्या होती है, आप इंस्पायरेशन करते हैं, एक एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसमें दो चीजें देखी जाती हैं, ये तो सारा आप पढ़ लेंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही यहाँ पे है, और बिल्कुल हेडलाइन में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से समझते जाइएगा, मेन सारी चीजें वही हैं। दो प्रेशर होते हैं, इंस्पायरेशन बोला मैंने और एक क्या बोला, एक्सपायरेशन, क्या होते हैं, दो प्रेशर होते हैं, एक तो लगाता है डायफ्राम जिसको इंटरकोस्टल मतलब वो प्रेशर में आएगा, क्या है, इंटरकोस्टल, जो कि अपने किसके बीच में, जो कि डायफ्राम जो होता है उसके बीच का, या जो अपने वहां पे रिब्स भी प्रेजेंट होती है वहां पे, ठीक है, और इंटर इंट्रा पल्मोनरी आपको बताइए वो किसका प्रेशर होगा बच्चों, वो अपना प्रेजेंट मतलब किस चीज का, पल्मोनरी मतलब लंग्स का प्रेशर जो होगा। इंस्पायरेशन के दौरान एक तो इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी, और एक अपना कौन सा प्रेशर की बात हो रही है, मसल का या डायफ्राम का, डायफ्राम की बात हो रही है। होता क्या है कि जो इंस्पायरेशन के दौरान जो लंग्स का जो प्रेशर होता है बच्चों वो डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, और तब बाहर निकालते हैं उस CO2 को, तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और डायफ्राम उस समय क्या कर रहा होता है, तब इंस्पायरेशन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और तब एक्सपायरेशन होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये ऊपर वाले भी ध्यान रखनी है, कभी उसको रखो ही नहीं, ठीक है, वो भी ध्यान रखनी है, रिलैक्सेशन यहाँ पे हो जाती है। बोलो समझ में आ गई होगी। अगर आप मतलब आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, तो वो किसकी वजह से होगा, जो एब्डोमिनल मसल्स होती है ना बच्चों, एब्डोमन की जो मसल्स होती हैं सारी, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, किसकी, जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो पूरी,
मतलब इंस्पायरेशन कर रहे हो या एक्सपायरेशन कर रहे हो। एवरेज मतलब क्या होती है, आपका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 12 टू 16 टाइम एक एवरेज हेल्दी इंसान का क्या रहता है बच्चों, ब्रीदिंग रेट रहता है। और ये वॉल्यूम जो होती है एयर की, जो ब्रीदिंग मूवमेंट है या सारा जो एयर इन्वॉल्व होती है, वो किससे मेजर किया जाता है, स्पायरोमीटर से किया जाता है, स्पायरोमीटर से किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। फिर जो जैसे अभी बोला कि जो थोरेसिक चैम्बर होता है, थोरेसिक चैम्बर आपको बताना है, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर किस चीज से बना हुआ है। थोरेसिक चैम्बर जिसमें अपना ये जो लंग वाला पार्ट है, दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक डोर्सल आप बोलते हो पार्ट को और एक वेंट्रली बोलते हो, डोर्सल वेंट्रली बोलते हो। डोर्सल जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वेंट्रल आगे वाला हिस्सा होता है, मतलब हम खड़े हैं तो आगे वाला अपना वेंट्रल हो जाएगा, पीछे वाला डोर्सल हो जाएगा। पीछे थोरेसिक चैम्बर में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है अपना सारा, जो रीढ़ की हड्डी और ये सारा जो ढांचा है वो डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है। और जो अपना वेंट्रल साइड होती है बच्चों, आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसमें रिब और जो बीच में अपना स्टर्नम होता है, उसी के ऐसे ही रिब्स होती है ना, तो ये अपना वेंट्रल साइड होगा। लेटरल साइड में क्या होगा, लेटरल साइड में यहाँ साइड में जो साइड वाला रीजन होता है, यहाँ पे रिब्स अभी बताया, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में जो वेंट्रल रीजन है इसमें तो स्टर्नम हो गया, लेटरल रीजन में क्या आ गई, ये सारी रिब्स आ गई। और जो लोअर साइड है, जो नीचे वाला हिस्सा है अपना अपना किसका, थोरेसिक कैविटी का, इसमें कौन आ गया बच्चों, डायफ्राम आ गया। बात समझ में आ गई, क्या आ गया वहां पे, डायफ्राम वहां पे इंक्लूड हो गया। अब डिफ्यूजन के दौरान, ठीक है, तब आप क्या पढ़ते हो, और ये आपको पता होगा कि भाई इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, हमेशा ही क्या रहेगा, एक्टिव प्रोसेस वो होगा, और एक्सपायरेशन क्या होगा, वो एक पैसिव प्रोसेस होगा। इंस्पायरेशन के दौरान एनर्जी लगती है और वहां पे एनर्जी नहीं लगती। और ये मैंने बता ही दिया कि इंटरकोस्टल मसल वहां इंक्रीज प्रेशर होगा या डिक्रीज होगा, वो सारा सब कुछ आपको बता दिया है। अब डिफ्यूजन के दौरान आपको देखना है कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, यहाँ देखना होता क्या है यहाँ पे, कि भाई एल्वेलाई होती है, ठीक है, और फिर यहाँ स्पेस होता है जिसको आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हो, और फिर यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं एल्वेलाई की, वो यहाँ पे होती हैं। ये एल्वेलाई जो है, ठीक है, एपिथीलियम मिलेगी आपको उसकी, एल्वेलाई की एपिथीलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एल्वेलाई का जो कैपिलरीज हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो तीन लेयर आपको पता होनी चाहिए कौन कौन गैसियस एक्सचेंज या डिफ्यूजन के दौरान इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो CO2 और O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, या कैसे कैसे, मतलब ऑक्सीजन कहाँ कितनी मिलेगी, वो आपको पता होना चाहिए, और CO2 का भी। अगर बच्चों CO2 की बात हो, तो जो 70% जो CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट में होती है, किसमें होती है, बाइकार्बोनेट में होगी, ये याद रखने हैं। 7% डिसॉल्व फॉर्म में होती है, 70 बाइकार्बोनेट में, 7 किसमें होती है, डिसॉल्व फॉर्म में होती है, डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी। और 23% जो होगी बच्चों वो किसमें, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में होती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आप लिख सकते हो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HbA आप उसको लिखते हैं, ठीक है। 70, 7 और 23 की फॉर्म में ये होती है, 70 बाइकार्बोनेट में, 7 डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, 23 कार्ब अमीनो HbA की फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन कैसे रहेगा, वो 97% तो बच्चों RBC की उसमें मिलेगा, और जो आपका जो बच गया है 3% वो प्लाज्मा में आपको मिलेगा, किसमें, प्लाज्मा में आपको मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आ गई। फिर जो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन को, और कौन सी अनफेवरेबल जो कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनने के लिए, वो कौन कौन सी है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना चाहते हैं, मतलब ऑक्सीजन की और किसकी हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे CO2 का लेवल कम हो, CO2 क्या हो बच्चों, वहाँ पे कम हो, टेम्परेचर भी लो हो, और अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हाई होना ही चाहिए, और H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल लो होनी चाहिए, ये भी ऑक्सीजन बस हाई होना चाहिए, ठीक है। और इसका अनफेवरेबल खुद बना लो कि भाई अगर CO2 हाई हो जाएगा तो अनफेवरेबल, H पॉजिटिव हाई हो जाएगा तो भी अनफेवरेबल, और टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा तो भी अनफेवरेबल हो जाएगी कंडीशन, ठीक है, बात समझ में आ गई ना।
क्योंकि सीओ टू आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि एच पॉजिटिव का मतलब अगर एच पॉजिटिव ज्यादा होता है तो वहां पे जो पीएच पीएच का यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, एच पॉजिटिव जितने ज्यादा होंगे तो वहां पे पीएच आपको भाई 1-2 ऐसे देखने को मिल सकती है, और अगर कम होगी तो आपको आई पीएच देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। फिर जो हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है बच्चों इसको, तो ठीक है ये सब कुछ जो मैंने बता दिया था, ठीक है तो ये आप ध्यान रखना, और ये आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा। आप तो यहाँ पे अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना कि जो एच बी होता है, ओ टू होता है, इसका कॉम्बिनेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एच बी। हीमोग्लोबिन प्लस में सीओ टू अभी बताया, कार्ब अमीनो, एच बी बोला जाएगा, कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो, अमीनो एच बी हीमोग्लोबिन ऐसे बोल देना। और एच बी और सीओ क्या बोला जाएगा? एच बी, एच बी और सीओ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। एच बी प्लस में सीओ कार्बोक्सी, ठीक है कार्बोक्सी एच बी, ठीक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन कार्बोक्सी। कई बच्चे इसको कंफ्यूज सीओ टू में लगा देते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन प्लस में सीओ टू कार्बोक्सी हीमो होता है, नहीं ये नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है एच बी पर 100 ml, उसमें आप कितना ब्लड पाते हैं एवरेज, मतलब जो 100 ml होगा उसमें आपको कितना ब्लड मिल जाता है? 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम वहां पे आपको ब्लड मिल जाएगा। ये उल्टा बोला हमने, है ना, उल्टा बोला, उल्टा 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 उल्टा, क्योंकि ब्लड में मिलेगा ना बच्चों एचपी, तो ठीक है उल्टा कर लेना इसको, गलत बोला है मतलब मैंने, कि आपको जो एच बी जो एवरेज होगा, ठीक है 100 ml ऑफ किसमें, ब्लड में, वहां आपको 12 से 16 ग्राम एच बी मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप किसकी बात करें कि एक एच बी का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 O2 के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, ये भी आपने पढ़ा है कि एक एच बी का मॉलिक्यूल कितने 4 O2 के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, ठीक है। और 1 ग्राम एच बी कितना कैरी कर लेगा O2 को, कितने ml में? 1.34। 1 ग्राम, 1 ग्राम एच बी कितनी O2 की वॉल्यूम कर लेगा कैरी? 1.34 ml, 100, और ये फिर निकाल ही दोगे आप, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई होंगी आपको। और अपना जो रेस्पिरेटरी पूरा जो रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर होता है ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। कहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? जो प्रेजेंट रिदम सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, ठीक है। न्यूमोटेक्सिक जो होता है सेंटर, ठीक है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? वो पोन रीजन में रहेगा, आपने पढ़े ना ये सारे रीजन ब्रेन में, तो वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए जो डिसऑर्डर है, एक अस्थमा है, एक एम्फीसीमा है, एक फिब्रोसिस भी होता है। वैसे तो अस्थमा में आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि यहाँ इन्फ्लेमेशन किसकी होती है, ठीक है ये आपको लास्ट में मिल भी जाएंगे। एक अस्थमा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकियोल्स की, ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी।